तो कैसे हैं आप लोग? तो यार यहाँ पे 2-3 दिनों पहले एक न्यूज़ निकल के आई थी कि जो है जापान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम है सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज, उससे रिलेटेड एक नया एनीमे आने वाला है। अब यार ये पूरी तरीके से एक फुल फ्लेज्ड एनीमे बिल्कुल भी नहीं है, ये एक पीआर एनीमे है, जिसका मतलब है यार प्रमोशनल एनीमे। अब अगर यार आप लोग को इस एनीमे के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी पानी है तो यार आप लोग को आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग जाके मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें इस एनीमे के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया है। आज यहाँ पे जो इस वीडियो का टॉपिक है, तो यार यहाँ पे जुलाई 1 को इस जो एनीमे होने वाला है इसका पहला एपिसोड का प्री स्क्रीनिंग होने वाला है, और यहाँ पे जो है वो इसके खुद ऑफिशियल वेबसाइट ने हम लोग को इसके स्पॉयलर्स दे दिए हैं कि इस एपिसोड में क्या होने वाला है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है वो उसी एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। और यार ये जो एनीमे होने वाला है इसका यार स्टार्टिंग ही एकदम ही बहुत ज़्यादा कड़क होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके पहले एपिसोड में बहुत ज़्यादा एक कमाल फाइट हम लोग को देखने को मिलने वाला है। और ये जो फाइट है यार फैन फिक्शन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हमेशा से लोग जो है वो इन दो कैरेक्टर्स को कंपेयर करते आ रहे हैं। ऑलरेडी यार 3 साल हो चुके हैं लोग इन दो कैरेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन ज़्यादा वीक है। और यार ये जो फाइट है इसके कट सीन्स जो है वो मुझे लगता है यूट्यूब पे आ गए होंगे और जो है वो लोगों ने जो है वो ऑलरेडी देख लिया होगा। लेकिन यार आप लोग एक बात ज़रूर मानेंगे कि अगर यार हाई क्वालिटी एनिमेशन होगा तो यार ये फाइट देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, और शायद ये लोग थोड़ा जो है वो फाइट चेंज भी कर सकते हैं। तो यार जो भी हो ये जो है वो फाइट बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल होने वाला है। तो इस एपिसोड के एग्जैक्ट स्पॉइलर देने से पहले, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्दी उस लाल वाले बटन को दबा दीजिए और कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कमाल की न्यूज़ सबके लिए सबसे पहले लेकर आता हूँ। और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग ऐसी कमाल की न्यूज़ सबसे पहले देख सके। तो बिना वक्त गवाए इस स्पॉइलर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहे यार स्पॉयलर्स ड्रैगन बॉल हीरोज के एनीमे के पहले एपिसोड के बारे में। तो यार जो पिछला मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे यार मैं न्यूज़ दे बता रहा था कि जो एनीमे होने वाला है वो रिलीज होने वाला था, भाई यार मैंने उस वीडियो में बताया था कि प्रिजन प्लैनेट आर्क और यूनिवर्स सर्वाइवल आर्क, ऐसे 2 आर्क होने वाले इस एनीमे में। लेकिन यार फिर न्यूज़ निकल के आ रही कि जो यूनिवर्स सर्वाइवल आर्क है वो अभी भी जो है वो कन्फर्म नहीं है। प्रिजन प्लैनेट आर्क जो है वो पूरी तरीके से कन्फर्म है, लेकिन यूनिवर्स सर्वाइवल आर्क के बारे में जो है वो अभी भी थोड़ा वो ग्रे एरिया अभी भी जो है वो कन्फर्म नहीं है, लेकिन प्रिजन प्लैनेट आर्क जो वो तो कंफर्म होने वाला है। तो यहाँ पे जो है वो पहला एपिसोड आने वाला है जुलाई 1, 2018 को। तो इसका समरी कुछ इस तरीके से जाता है कि भाई जो ट्रंक्स है वो प्रिजन प्लैनेट में जो है वो ट्रैप हो चुका है। तो अभी आप लोग अगर सोच रहे कि भाई प्रिजन प्लैनेट क्या है और ये किसने बनाया, तो मैं आप लोग को बता दूँ, शॉर्ट में बताऊंगा, पूरे तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यार आप लोग जो ऊपर के राइट साइड में जो यार 7 प्लैनेट एक साथ देख रहे हो और वो पूरे ताल में बंधे हुए, तो यार उसका नाम है यार प्रिजन प्लैनेट। और इन प्लैनेट को जो है वो फू नाम का एक बंदा बनाता है। जो यार नीचे के साइड आप लोग फोटो देख रहे हो वो यार फू है। अभी आप लोग पूछेंगे कि भाई ये फू कौन है, अभी यार ये फू जो है ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, फिर मैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यार उसके ऊपर जो है वो एक अलग वीडियो ही बनाना पड़ेगा। तो यार आप लोग मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग को जो है वो फू के बारे में और जानना है कि नहीं। तो अगर शॉर्ट में बताना होगा तो यार फू जो है वो एक ओरिजिनल कैरेक्टर है जो दूसरा ड्रैगन बॉल का गेम आता है, ड्रैगन बॉल जीनोवर्स। अब मेरे को यार एक्जैक्टली पता नहीं कि वो जीनोवर्स में कि जीनोवर्स 2 में है, शायद यार 99% तो यार वो जीनोवर्स 2 का ही ओरिजिनल कैरेक्टर है। अब यार वो किसका बेटा है किसका बेटा है वो मत पूछना, क्योंकि यार वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बात समझ लेना कि जो है वो एक विलन है और वो एक ड्रैगन बॉल जीनोवर्स 2 का एक मेन कैरेक्टर है। अब यार वो यहाँ पे कैसे आया ये तो पूछना भी मत, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ड्रैगन बॉल हीरोज़ वाले बहुत ही कुछ कमाल करते हैं, मतलब किसी भी शो में से वो लोग कैरेक्टर उठा लेते हैं। अब यार आप लोग को जो है वो पता होगा कि ड्रैगन बॉल फाइटर जी नाम का भी एक गेम आता है, उसमें जो है वो एक एंड्रॉयड 21 करके एक नया कैरेक्टर उन लोग ने इंट्रोड्यूस करा है। तो यार ड्रैगन बॉल हीरोज़ ने उस कैरेक्टर को भी जो है वो अपने शो में ले लिया, अपने गेम में ले लिया। तो ऐसा जो है वो ड्रैगन बॉल हीरोज़ हर वीडियो गेम में से अपने लिए कैरेक्टर्स उठा लेते हैं। तो कुछ इसी तरीके जो है वो फू भी जो है वो ड्रैगन बॉल जीनोवर्स का एक ओरिजिनल कैरेक्टर था, लेकिन ड्रैगन बॉल हीरोज़ ने उन्होंने अपने गेम में ले लिया। तो अब ये जो फू नाम का बंदा है वो क्या करता है, वो अलग अलग टाइमलाइन में से अलग अलग यूनिवर्स में से अलग अलग स्पेस में से जो है वो वॉरियर्स इकट्ठा करता है और उन्हें रखता है प्रेजेंट प्लैनेट पे। तो यार यहाँ पे जो वो इस गेम में कैनन नॉन कैनन ये सब बिल्कुल भी काउंट नहीं करता, ये पूरी तरीके से जो है वो फैन सर्विस है, फैंस को जो कैरेक्टर पसंद है जो है वो उसको यहाँ पे गेम में लाया जाता है। तो यहाँ पे जो वो फू उनको कलेक्ट करता है और उनको रखता है प्रेजेंट प्लैनेट पे। तो ऐसे करने के पीछे उसका मोटिवेशन यार बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अगर शॉर्ट में बताना हो तो उसको यार चाहिए होता है ड्रैगन बॉल्स, इसके लिए जो है वो अलग अलग कैरेक्टर्स को वो पे जमा करता है और उन लोग से बैटल करवाता है। तो कुछ उसी रीजन के लिए जो है वो फू जो है वो ट्रंक्स को लेके चला जाता है, उसको ट्रैप कर देता है इस प्रिजन प्लैनेट पे। अब यार वो वहाँ पे कैसे ट्रैप होता है, फू उसका क्या लगता है, ऐसा कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं है उन दोनों के बीच, लेकिन एक दोस्ती होती है उनके बीच। तो यार इन सारी बातों को अगर आप लोग को जानना है, मतलब कि एग्जैक्टली फू कौन है, उसके माँ बाप कौन है, फू का क्या मोटिवेशन है और फू के क्या पावर्स है,
और फू और ट्रंक्स के बीच क्या रिलेशन और ये प्रिजन प्लेनेट एग्जैक्टली चलता कैसे। तो अगर ये सारी बातें आप लोग को जाननी है तो यार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। जितने ज़्यादा लोग जो है वो कमेंट करेंगे तो यार उतना जल्दी ये वीडियो बनेगा, और वीडियो को लाइक कर ज़रूर करना ताकि मेरे को पता चल सके यार कितने लोग इस टॉपिक में जो है वो इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे जो है वो ट्रंक्स ट्रैप हो जाता है इस प्रिजन प्लेनेट पे, और जो गोकू और टाची है उन दोनों का जो है वो मिशन है कि ड्रैगन बॉल्स का मदद लेने का और जो है वो ट्रंक्स को यहाँ से बचा लेना। और आगे जो है वो गोविटा एक्स हमें और ज़्यादा स्पॉयलर्स देते हैं, और वो यहाँ पे जो है वो उस एपिसोड का शायद टाइटल ये हो सकता है SSJ-4 वर्सेस SSB ब्लू। अब यहाँ पे जो है वो अभी तक इस जो है वो एपिसोड का टाइटल अभी तक कंफर्म नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आगे जाके उसका समरी यहाँ पे ये मिल रहा है कि ट्रंक्स केम फ्रॉम द फ्यूचर टू गोकू एंड वेजिटा फॉर ट्रेनिंग बट ही सडनली डिसअपियर्स। अब यहाँ पे जो है वो ट्रंक्स पास्ट में आता है ताकि वो ट्रेनिंग कर सके और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, और तभी जो है वो अचानक वो गायब हो जाएगा। और वहाँ पे जब वो फू आएगा और वो बोलेगा कि ट्रंक्स जो है वो एक ऐसी जगह पे ट्रैप हो चुका है जिसका नाम है यार प्रेजेंट प्लैनेट। अब यार यहाँ पे जब वो फू पीछे आएगा टाइम में और वो जो है वो गोकू वेजिटा और माई से बोलेगा कि भाई जो ट्रंक्स है वो प्रेजेंट प्लैनेट नाम के जगह पे जो वो अटक चुका है, और अगर आप लोग आएंगे तो आप लोग शायद उसे बचा सकते। तो यहाँ पे जो है वो लोग तीनों चले जाते हैं उन लोग को उस ट्रंक्स को बचाने के लिए, और तभी जो है वो उसी एपिसोड में शायद हम लोग को देखने को मिल सकता है सुपर सैयन 4 वर्सेस सुपर सैयन ब्लू गोकू। और पता है इस स्टोरी का कमाल का बात क्या है कि यहाँ पे जो है वो गोकू को अपने दूसरे फॉर्म के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता। मतलब जो सुपर सैयन 4 गोकू होगा उसको यार सुपर सैयन ब्लू या फिर सुपर सैयन गॉड के बारे में बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं होगा कि वो फॉर्म उसने कैसे हासिल कर लिया। और वही बात जाती है यार गोकू को जो है सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में, उसको यार बिल्कुल ही नहीं पता कि सुपर सैयन 4 फॉर्म उसे कैसे मिला। तो यहाँ पे जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बैटल होगा, दोनों ही गोकू जो है वो आमने सामने आएंगे और वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ बैटल करेंगे। और आप लोग को जानना है कि ये बैटल में कौन जीतेगा, तो यार आप लोग को एक क्लू दे देता हूँ, क्लू आप लोग के अभी जो है वो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। तो यार यहाँ पे जो वो इन दोनों के बीच जो भी बैटल जीतेगा जो भी हो यार ये बैटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल होने वाला है। तो यार अभी जो मैंने आप लोग को इतने देर तक जो स्टोरी बताई वो यार ड्रैगन बॉल हीरोज के गेम में कुछ इस तरीके से होता है। अब यार एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या वो जो है वो एनीमे में भी यही स्टोरी लेंगे या फिर उसको थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है वो नए नए फाइट्स डालेंगे, कुछ नए कैरेक्टर्स लाएंगे, ये बिल्कुल भी पता नहीं। लेकिन यार ऐसा होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि यार ड्रैगन बॉल हीरोज़ वाली एक PR एनीमे निकाल रहे, एक प्रमोशनल एनीमे निकाल रहे ताकि जो है वो ड्रैगन बॉल हीरोज़ को और ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़े और जो है वो और भी ज़्यादा लोग इसे देखने खेलने आए। तो यहाँ पे जो अगर उन लोग को वो प्रमोट करना था और वो वही की स्टोरी दिखाएंगे ना, कुछ भी अजीब दिखाएंगे और फिर लोग खेलने जाएंगे तो उन्हें कुछ अलग मिलेगा, तो वो उन लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो मुझे नहीं लगता ये लोग जो है वो स्टोरी से ज़्यादा भटकने वाले, और जो स्टोरी उन लोग ने गेम में बताया है उसी के ऊपर जो है वो लोग ये एनीमे बनाने वाले। तो अभी से जो है मैं आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो एनिमेज में हम लोग को कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने मिल सकते हैं। अब यार ये एकदम ही कंफर्म नहीं है क्योंकि यार अभी तक कोई भी पक्का इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आया है, लेकिन यार गेम में हम लोग को जो जो यार फॉर्म्स देखने को मिले, जो जो यार फाइट्स देखने को मिले, उन लोग के बारे में मैं आप लोग को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यार फैन फेवरेट फ्यूजन्स के बारे में। तो यार ड्रैगन बॉल हीरोज को पता है कि जो ड्रैगन बॉल फैंस हैं उनको यार फ्यूजन्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए जो वो ड्रैगन बॉल हीरोज टाइम टाइम पे हम लोग को अलग अलग फ्यूजन के साथ गिफ्ट करता रहता है। वो यार उसने ऐसे कुछ कमाल के फ्यूजन्स बताए जो यार हम लोग को हमेशा से शो में देखने थे। तो यार सबसे पहला कमाल का फ्यूजन जो उन लोग ने बताया वो है यार वेजांग्स। तो यार यहाँ पे जो वो एक फ्यूजन है वेजिटा और ट्रंक्स के बीच, और कहना पड़ेगा यार इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। अगला है यार गोटेंक्स। तो यार गोटेंक्स तो हम लोग ने ऑलरेडी ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर में देख ही ले, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम लोग ने अभी तक एक एडल्ट गोटेंक्स को बिल्कुल भी नहीं देखा। अभी तक जो हम लोग देख रहे हो यार छोटे छोटे बच्चे 13-14 साल के, उन लोग का यार उम्र क्यों नहीं बढ़ रही मेरे को तो पता नहीं, लेकिन जो भी। और यहाँ पे जो है वो ड्रैगन बॉल हीरोज में हम लोग को एक गोटेंक्स एडल्ट गोटेंक्स देखने को मिल सकते हैं। अगला जो यार फ्यूजन की मैं बात करने वाला वो तो यार बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, वो है यार गुहांग्स। वो है यार एक फ्यूजन गुहान और ट्रंक्स के बीच। तो यार ये थे कुछ फ्यूजन्स जो हम लोग इस शो में देख सकते हैं। और अब बात करते हैं यार कुछ नए फॉर्म्स के बारे में जो यार हम लोग ने शो में बिल्कुल भी नहीं देखा। तो यार सबसे पहला आता है ट्रंक्स सुपर सैयन 3 फॉर्म। तो यार मेरा एक ऐसा पर्सनल ओपिनियन है जब यार फ्यूचर ट्रंक्स आर्क में जो है वो गोकू ब्लैक आर्क में यार जब ट्रंक्स को और एक नया फॉर्म मिला था तो यार वो एसेसरीज कुछ मतलब भी नहीं बनता था। मुझे लगता था कि यार उसकी जगह पे जो वो सुपर सैयन 3 दिखा देते तो यार और भी ज़्यादा कमाल होता, लेकिन कोई बात नहीं, एक सुपर सैयन 3 ट्रंक्स देखने की इच्छा जो है वो ड्रैगन बॉल हीरोज हमारी पूरी कर सकते। अगला जो यार बहुत ही ज़्यादा एक फैन फेवरेट फॉर्म है वो है यार बार्डॉक सुपर सैयन 3 फॉर्म में। तो यार ये भी जो है वो हम लोग को इस एनिमे में देखने मिल सकता है। जहाँ तक बात आती है यार फाइट्स की, तो यार एक सुपर सैयन 4 वर्सेस सुपर सैयन ब्लू तो कन्फर्म ही हो चुका है। यहाँ पे जो है हम लोग को एक ब्रोली वर्सेस गोकू फॉर्म फाइट भी देखने मिल सकता है, ब्रोली सुपर सैयन 4 और गोकू सुपर सैयन 4 के बीच। और एक बहुत ही ज़्यादा जो है एक फैन फेवरेट
फाइट है वो यार किंग वेजिटा वर्सेस बारडॉक। तो यार यहाँ पे जो है वो ड्रैगन बॉल हीरोज में एक बार बात तो चल रही थी ये फाइट होने की, लेकिन पता नहीं अब यार ये लोग ये एनिमे में लाएंगे कि नहीं। लेकिन यार यहाँ पे जो है वो एक पूरी तरीके से ये एनिमे पूरा फैन सर्विस होने वाला है, जो फैंस को पसंद है वो यार जो है वो इस एनिमे में दिखाया जाता है। तो इसका यार एक ऐसा पॉसिबिलिटी कि जो हम लोग किंग वेजिटा वर्सेस बारडॉक भी देख ले। तो यार ये थे कुछ अपडेट्स ड्रैगन बॉल हीरोज के एनिमे के बारे में। तो यार वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग को जो है वो फू और उस बाकी सारे कैरेक्टर्स के बारे में और जानना है कि नहीं। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये न्यूज़ जल्दी से जल्दी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले ड्रैगन बॉल वीडियो में।